हेलो फ्रेंड्स, ब्लूम टू एक्सप्लोर में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसा एक खास वीडियो लाई हूँ जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप यदि वन डे बैंगलोर टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होगा। चलिए अभी लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्लेस है पिकेट फेंस फार्म, जो बच्चे हो या बड़े सभी के लिए अच्छा घूमने का प्लेस है। ये जो फार्म है वो नंदी हिल्स के पास है और यहाँ पर बहुत सारा फार्म एनिमल, अदर वैरायटीज ऑफ एनिमल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका कंप्लीट वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल में डाला हुआ है। कोई भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके चाहिए तो वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये फार्म मंडे को क्लोज रहता है और सुबह 9 बजे से ओपन हो जाता है। आप चाहे तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके फार्म विजिट कर सकते हैं और इस फार्म के आसपास आपको बहुत सारा ब्रेकफास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स लगेगा कंप्लीट विजिट करने के लिए और बच्चों के लिए भी खेलने के लिए छोटा सा पार्क है। चलिए नेक्स्ट लोकेशन, जो इस फार्म से अराउंड 6 किलोमीटर दूर है, वो प्लेस है भोगी नंदेश्वर टेम्पल, जो एक शिव मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। इसका इंटीरियर आपको पुराना सभ्यता का याद दिलाएगा। इसका भी हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए वहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पूरा मंदिर आपको विजिट करने के लिए विद इन 2 आवर्स ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट लोकेशन, जो है सबसे सुंदर, सबसे इंटरेस्टिंग और हर लोगों का पसंदीदा लोकेशन आदियोगी। मैं पर्सनली बहुत बार यहाँ पर जा चुकी हूँ। जितना भी जाएंगे आपको कभी भी बोर नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन, ब्लूम टू एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आ गए हैं आदियोगी और आपको दिखाएंगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है 1 ईयर के अंदर। देखिए बुल और त्रिशूल आपके पास, अब हम और भी नज़दीक जाकर आपको दिखाएंगे। वो अभी नया यहाँ पर ऐड हुआ है और अभी तो बहुत हवा यहाँ पर चल रहा है ना, अच्छा वेदर भी है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। बैंगलोर आए और आदियोगी ना देखे तो कोई भी लाभ नहीं। आदियोगी भोगी नंदीश्वर टेम्पल से अराउंड 24 किलोमीटर दूर है। इसका पुराना वीडियो और नया वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है तो आपको खाने पीने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आदियोगी में जो लाइट शो होता है वो 7 बजे में शुरू होता है, तो आप चाहे तो वहाँ पर लाइट शो भी देख सकते हैं।
यहाँ का जो लाइट शो है बहुत ही अमेजिंग है, हमने ऑलरेडी इसका भी अलग सा वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको लाइट शो नहीं देखना है तो आप ये जो लोकेशन है 3 लोकेशन आराम से कवर करके इवनिंग तक आप घर में पहुंच जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।